का नाम लालू मंत्र है, लालू और खाता है आलू। अब हमें जनता को चला रहा हूँ, तेल को नहीं, खाएंगे जमाने के हम माता राम के जमाने के और हमारे बीच में भाई साहब मनु देशमुख साहब जी हैं और डॉक्टर साहब भी हैं गुड्डा भाई, और डॉक्टर साहब हमारे बीच में फिल्म के निर्माता भाई आकाश भाई हैं और समाज जनता है सभी माताओं के तरफ से और काफी हैं भाई। डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा दादा? भाई आकाश भाई नहीं, 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 कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। डॉक्टर साहब बहुत आनंद आ गया। ऐसी आवाज होती है, ये चलती है किमार कैसे खोला जाता है और अंदाज में किमार कैसे खोलती है, ये चलती है करेक्ट किमार का एक आवाज होती है दरवाजा और किमार कैसे खोला जाता है करेक्ट घर की जिसकी भी होती है वो किस प्रकार कैसी होती है। अचानक हमारे बीच में भाई साहब भैया मनोज भाई जी पधार चुके हैं, उनके लिए बहुत बहुत जोरदार तालियां से स्वागत करते हैं। आइए नहीं मनोज भाई यदि और घर की जो चीजें होती है किस प्रकार कैसे बोला जाती है फिर से ट्राई करते हैं कि मार के लिए घर की जो स्थिति होती है किस प्रकार कैसे बोलती है। जब आदमी मर जाता है कुत्ता कैसा बोलता है या भूखता है, जब रोता है कुत्ता फिर से ट्राई करते कि मार के लिए भूत निकल आता है। समझ गए भूत निकल आता, भूत भूत निकल आता है फिर ट्राई करता है अचानक भूत निकला हस्तो दे भाई जोरदार तालियां। गुड्डा पटले जी के लिए मैं रुपेश चौधरी को आमंत्रण करना चाहता हूं जो हमारे चाचा जी गुड्डा पटले जी का स्वागत करें। और मनोज भैया टेंद्रे जी के लिए मैं आशीष सोनेकर को बुलाना चाहूंगा, वे यहाँ आकर भैया का स्वागत करें। और मोनू सरोवर देशमुख जी के लिए मैं डिलेन पटले को बुलाना चाहूंगा। प्रशांत निको से ये हमारे आकाश भैया सोनेकर जी का स्वागत करेंगे। सर सबसे पहले मैं अपने ग्राम की माटी को सचत नमन, गणेश भगवान के चरणों में सचत नमन। आज छोटे छोटे बच्चों ने मिलकर समिति बनाकर गणेश जी की स्थापना किया और मनोरंजन के लिए आज ये कार्यक्रम प्रस्तुत करा रहे हैं। बहुत मेहनत से इस मोहल्ले में छोटा मोटा चंदा लेकर भी कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें उपस्थित सांसद प्रतिनिधि मोनू देशमुख जी एवं जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि मेरे मामू मनोज टेमरे जी, सामने बैठी देवी स्वरूपा माताएं एवं मेरे नौजवान साथियों, सबसे पहले
एकता का प्रतीक होना बहुत अति आवश्यक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपना घर सुधर जाए, उसके बाद मोहल्ला मोहल्ला में एकता रहना चाहिए, फिर गांव में एकता होना चाहिए। ये संदेश बाहर तक जाता है। आज जैसे सभी लोग प्रेम भावना से यहाँ बैठकर कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कॉम्पिटिशन तो होते रहती है, कॉम्पिटिशन बात अलग है, पर हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने, ज़्यादा बड़े नहीं है, आधे कुंवारे लड़के हैं, और छोटी छोटी बच्चे लोग भी यहाँ पे, कोई भी कार्यक्रम होता है, ये पहला कार्यक्रम नहीं है। होली के समय में वो छोटा सा डीजे बना लेते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं और मोहल्ले वाले का भी मनोरंजन कराते रहते हैं। यह बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम मोहल्ला में एकता है, एकता का प्रतीक है। इस मोहल्ले में जो एकता दिखाते हैं वे मेरे ख्याल से उधर कहीं नहीं दिखता है। इसलिए मैं सभी लोग से कहता हूं कि सबसे पहले अपना घर, फिर मोहल्ला, फिर पूरा गांव, फिर तहसील, जिला, बालाघाट, फिर आगे बढ़ते जाता है। इसलिए एकता में ही रहकर, एक उदाहरण के लिए बोलता हूं कि अंगूर टूट जाता है तो 10 रुपए पाव, और यदि वो गुच्छा में रहता है तो 40 रुपए पाव बिकता है। इसलिए एकता का प्रतीक होना अति आवश्यक है। झाड़ू झाड़ू के टुकड़े हो जाते तो उसको कचरा समझकर फेंक देते, और यदि झाड़ू को एकत्रित करके रखते और उसको झाड़ते तो सफाई के काम में आता है, और उसको लक्ष्मी का वरदान माना गया है, उसको लात लगता है तो पैर पड़ते हैं। इसलिए सभी से, सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि एक सूत्र में बंधे और सब मिलकर कोई भी कार्य करना हो, सामाजिक कार्य हो, जो भी कार्य हो, सार्वजनिक कार्य हो, जो भी कार्य हो, सब एक मिलकर करें। जय हिंद, जय भारत।